गुलबर्गा में एक जंगली सुअर ने 4 साल के मासूम बच्चे पर हमला किया है, जिसके बाद इस बच्चे को 18 से 20 टांके डाले गए हैं। गुलबर्गा शहर के हर गली मोहल्ले में आवारा कुत्ते और जंगली सुअरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर बार कॉरपोरेशन कमिश्नर को शिकायत देने के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। पिछले कुछ सालों से कई बड़े बुजुर्ग और मासूम बच्चों को आवारा कुत्ते और जंगली सुअरों ने हमला कर बेरहमी से जख्मी किया है, पर इसके बावजूद आज तक इन कुत्ते और सुअरों का परमानेंट सफाया नहीं हुआ है। गुलबर्गा शहर के एमएस किमिल वार्ड नंबर 41 नरसिम्हा नगर इलाके में एक 4 साल के मासूम बच्चे पर जंगली सुअर ने हमला कर सर से पैरों तक जख्मी किया है। इस इलाके में यह हादसा आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मासूम बच्चों पर जंगली सुअर और आवारा कुत्तों ने हमला किया है। मोहल्ले के लोगों के अलावा खुद एरिया कॉरपोरेटर पिछले एक साल से कॉरपोरेशन कमिश्नर को शिकायत करते आ रहे हैं, पर आज तक इस मामले को सीरियस नहीं लिया गया। जंगली सुअर के इस हमले के बाद मोहल्ले के जिम्मेदार और एरिया कॉरपोरेटर ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए तमाम तफसीलात बयां कर एक्शन लेने का मुतालिबा कर बच्चे के लिए कंपनसेशन की मांग की है। अगर जल्द इस मामले पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। सुवरा कुत्ते एक में रहना महिले में पूरे खाली होना, हाँ नहीं तो मैं क्या देने का देती जाको म्यूनसिपालिटी में। हाँ क्या बच्चा को तंग करी, फिरने नहीं दे रहे, चलने नहीं दे रहे, बच्चा को काट रही। हाँ 20 टाके गिरी बच्चे को, अब ये बच्चे को पैसा करना क्या करने का है सो। हाँ नहीं तो मैं ऊपर जाते। ठीक है, आपके वार्ड में इतना सब हो रहा है तो आपने क्या एक्शन लिया था इससे पहले? पिछले एक साल से सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को और हमारे तकरीबन ऑफिशियल्स को हमेशा फॉलोअप में हो, और एक साल पहले से ज़्यादा हो गया शायद, जो मैं कमिश्नर को है ना बोला हूँ कि हमारे एरिया में कुत्ते और सुअर बहुत हैं। आज ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कुत्ते काटने के बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ हैं, जो मैं कमिश्नर को डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप पे डाला हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई हमारे एरिया में कुत्ते और सुअरों का बहुत बड़ा आतंक है, बच्चों को काट रहे हैं। और ऐसा पिछले हफ्ते एक टेंडर किए, हर बार टेंडर कर रहे बोले पिछली बार टेंडर किए पिछले हफ्ते, तो मेरे वार्ड से पकड़ने की बात हुई थी, लेकिन हमारे वार्ड को छोड़ के ना दूसरे वार्ड में पकड़ रहे हैं। खैर दूसरी जगह भी वार्ड में यही मसले हैं, पूरे 55 वार्ड में यही कुत्तों का ही मसला है, सुअरों का ही मसला है, लेकिन ये इतनी देर करने की वजह क्या है वो कमिश्नर ही जानते हैं बेहतर, वो अपने अपने कुछ ऑफिशियल्स मसले बताते हैं उन्होंने भी, अब इसका हल कैसे निकालेंगे। और ये जो आज इंसिडेंट हुआ है रमेश नामी बच्चे के साथ, अविनाश नामी बच्चे के साथ, जो 4 साल का लड़का है जो 18 से 20 टाके गिरे हैं, और इससे पहले भी एक बच्ची को यहाँ पे कुत्ते और सुअर ही काटे थे, टोटल 4 से 5 बच्चे हो गए अभी तक जो है ना यहाँ पे कुत्ते काट रहे हैं, उनको सुअर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान देने तैयार नहीं है सिटी कॉरपोरेशन ऑफिशियल के तरफ से, कई बार उनसे दरखास्त करने के बावजूद भी अब जाके वो लोग काम कर रहे हैं तो भी अधूरा काम ही है। कल ये मेरी है ना एनवायरमेंटल इंजीनियर से बात हुई तो वो आज भेजने का वादा किए थे, आज भी पता नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कॉरपोरेशन कमिश्नर से, इनका ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें, इनको जितना हुआ उतना कंपेंसेशन दें, जो ये लेबर तबका है, ये नरसिम्हा नगर बोल के एरिया है, ये मिसबा नगर में आता, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपेंसेशन देने की कोशिश हम भी करेंगे और उनसे भी गुजारिश करता हूँ। कॉरपोरेशन ऑफिशियल की गलती है ये, कॉरपोरेटर्स अपना काम कर रहे हैं बराबर, ऑफिशियल अपनी काहली कर रहा और कुछ नहीं, कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल है उनकी काहली की वजह से हो रहा है। कॉरपोरेटर मेरा एक ही नहीं, हमारे वार्ड का एक ही नहीं, दूसरे भी कॉरपोरेटर जैसा साजिद कल्याणी भी कुछ दिन पहले दिए थे, और इससे पहले ताहिर जो हमारे वार्ड नंबर 15 वार्ड नंबर 16 के कॉरपोरेटर, ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेटर्स हैं, जैसा अलीम पटेल साहब भी दिए थे अपने 42 से, शेख हुसैन साहब भी दिए थे, बहुत सारे लोग अपने तरफ से जोर लगाए कि इनको बोले हैं, कई बार मीटिंगों में बोले हैं, अभी तक हमारी बॉडी भी नहीं थी, अभी जाके बॉडी भी फाइनल भी है, इंशाल्लाह यहाँ से कोई काम रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह काम चलते रहेंगे, काम होंगे और जो भी काम होंगे, लेकिन मेरी एक और बार गुजारिश है सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ पे जितने भी बच्चों को या और बड़ों को कुत्ते जो डॉग बाइट हुआ है या पिग बाइट हुआ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपेंसेशन देने की गुजारिश करता हूँ। अगर कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा तो आगे स्टेप क्या रहेगा? इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
डिस्चार्ज करेंगे, पूरी पब्लिक मिल गई, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और कमेटी है, हेल्थ कमेटी है हमारी, विशाल दरगी साहब है उनके सामने भी है, बात रखूंगा मैं, और हमारे वर्ड्स कमेटी भी है उनके भी सामने रखूंगा। कमेटी से भी है ना मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इस पे और इस मसले पे ध्यान दें। आज हमारे मिजबा नगर वार्ड नंबर 41 में नरसिम्हा नगर के जो एरिया में हमारे जो जानवरों का जो शिकार हो गए बच्चे, ये आज ही ने एक साल से इसको फॉलो करते जा रहे हैं हम। जब हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर साहब जब उन्होंने भी सबमिट करे वहाँ पे जाके, तो इनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है वो बताओ? कॉर्पोरेशन वाले ही है ना। जब मेन हमारे एरिया का जिम्मेदार आदमी जाके जब नोटिस दिया है, जब उनका एक्शन नहीं ले रहे, तो अब ऐसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे वो बताइए आप? इसका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह आगे बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा। ये जल्द से जल्द, बहुत से बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं लेंगे ना, अब बोलेंगे ना हम कुछ भी नहीं बोलते, आगे करके दिखाएंगे। जो भी करेंगे हम आपके साथ में, हाँ बोलेंगे वैसा काम करेंगे। एरे हमारे साथ में कॉर्पोरेटर साहब है और यहाँ की पूरी जनता, यहाँ की आवाम है। इंशाल्लाह कल इसका कुछ भी हमारे को रिजल्ट नहीं मिला कल, तो हम दिखा देंगे इंशाल्लाह। और आए मैंने ओगला करते दिन रे पार होगा मुंदु हिड़द के कड़दी पूरा कवि किविने कितना पार विश्वास इतल रही दवाखान हांगे वैद्य और अपन मई मेल हंगी ऐन इल्री रक्त रक्त पार साय रही पार पूरा पूरा बेन्न मुंडी एल कड़दन रही एल किविने कड़दी पंद्रह टाकि बिद अट्र टाकि नम्बर बरल रही नोड्री कई जोड़स्तव हांग मातर नोड्रि ना कई चुकड़ा उल्दव्री ಅದೊಂದು ಲಾಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ ಜೀವ ಹೋದ ಉಳ್ದಾನ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಯಕ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂದುಗಳ ಆಟ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ತಿಳಿದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಗರಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೇವು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.